चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं क्लास ट्वेल्थ। हमारे पास दो बुक हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे पास क्लास ट्वेल्थ में दो बुक्स हैं, एक मैक्रो और एक हमारे पास क्या है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ इंडियन इको में हमारे पास चैप्टर्स क्या हैं और क्या डिलीशन एडिशन पहले के मुकाबले अब है। देखो सबसे पहले यूनिट 6 से शुरू होता है ये बुक। यूनिट 6 का मतलब पहले 5 यूनिट हमारे पास मैक्रो के थे और यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हुआ यूनिट 6 इंडियन इको। यूनिट 6 में हमारे पास दोस्तों 3 चैप्टर हैं और ये तीनों ही कैसे हैं देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये थोड़ा सा ना आपको हिस्ट्री की फीलिंग दिलाएगा, जो आपने क्लास ट्वेल्थ में SST पढ़ी थी उसमें आपको थोड़ा सा लगे जैसे हम SST पढ़ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे थी, तो अर्थव्यवस्था कैसे, एग्रीकल्चर का क्या हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था, राइट। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हमारे पास जो सेक्टर थे हेल्थ सेक्टर का क्या हाल था, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव समझते हो ना आप, जैसी आज़ादी मिली तो हमें क्या उस टाइम मिला, तो इसलिए ईव का चैप्टर बना हुआ है, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन इकॉनमी 1950 से 1990 के बीच। तो इसको मैं कह सकता हूँ इंडियाज इकॉनमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर का नाम मैं ये भी ले सकता हूँ और NCERT में शायद इसका नाम यही, ठीक है, राइट। तो इंडियन इकॉनमी दूसरा हमारे पास चैप्टर क्या है 1950 से 1990 के बीच में हमारी सिचुएशन क्या थी। फिर से वही तीन चीज़ हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का क्या हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था और हेल्थ सेक्टर का क्या हाल था। तो कई सेक्टर का हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, क्लियर यहाँ तक। तीसरा चैप्टर है दोस्तों LPG, फुल फॉर्म क्या हो गई लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे 1991 में, तो इसका मतलब 1990 तक यहाँ पढ़ा, उसके बाद 91 से पढ़ेंगे आज की डेट में हमें LPG का क्या फ़ायदा मिला। तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उस टाइम एक उन्होंने रिवॉल्यूशन लिया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमने इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाती है ये, हमने अडॉप्ट किया LPG, ठीक है। और इस LPG की मदद से ही आज हम 2023 में इतने इम्प्रूव्ड वर्जन में आज हम खड़े हुए हैं कि आज हम AI का यूज़ कर रहे हैं, आज हम GPT का यूज़ कर रहे हैं, आज हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 पॉलिसी। भारतीय कंपनियां यहां काम कर रही हैं और हमारे देश कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं। ये क्या हुआ हमारे पास LPG, इसका बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं जब आप BST पढ़ोगे क्लास 12 की, तो चैप्टर नंबर जब आपका आएगा 3 बिजनेस एनवायरमेंट, तो उसमें ये फिर से टॉपिक आएगा LPG, ठीक है। तो ये LPG यहां डिटेल है वहां कम है। चलो ये थर्ड चैप्टर हुआ। उसके बाद यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है जो हम फेस कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये फिर से आपकी SST आ गई, अगर आपने पढ़ा हो 10th 9th में ये चैप्टर सेम हुआ करते थे हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं जो 2022-23 का सेशन था ना दोस्तों, उसमें दो चैप्टर डिलीटेड थे, एक था पॉवर्टी और एक था रूरल डेवलपमेंट, लेकिन कुछ बुक में अभी भी रूरल डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो इसको आप जब आप पढ़ना तो एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं, पॉवर्टी तो डिलीटेड है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, किस तरीके से एक अनपढ़ आदमी पढ़ लिख के किस तरीके से देश की इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है, इसलिए हमें पढ़ना, टेक्निकल नॉलेज लेना क्यों ज़रूरी है, वरना हम इस इकोनॉमी के लिए बोझ होते हैं। ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रूरल डेवलपमेंट की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस तरीके से ये क्या है ग्रामीण विकास कैसे करना है हमको, ये चैप्टर डिलीटेड है ही। एम्प्लॉयमेंट में हम पढ़ेंगे दोस्तों रोजगार, कितने प्रकार का रोजगार, कितने प्रकार का बेरोजगार, ये सब हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी और ये भी आपकी SST में 10th तक में था, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ये जो भागती हुई ज़िंदगी है, डेवलपमेंट की ज़िंदगी है, विकास करना है विकास करना है, इसमें कहीं ना कहीं हमने नेचर को क्या किया है डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब जो हम वर्ल्ड लेवल पे अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो हरित क्रांति है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पेजेस कम से कम यूज़ करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़्यादा यूज़ करना, पेड़ कम काटना, मतलब अब हम विकास तो करना चाहते हैं बट कैसा विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे प्रकृति का नुकसान ना हो, क्योंकि आज ह्यूमन को पता चल गया है कि जिस तरीके से हम प्रकृति का नुकसान पहुंचा के विकास कर रहे हैं, प्रकृति अपनी जगह खुद बना रही है, ठीक है। आए जगह बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, रेलवे ट्रैक जाम हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, समझ रहे ये क्या है, प्रकृति अपनी जगह खुद बना लेती है, जैसी वो थी वैसे दोबारा हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर दोस्तों।
उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास आएगा कि हम जहाँ तक पहुँच गए इंडिया, उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल है, हमारे कंपैरिजन में पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है और श्रीलंका की क्या सिचुएशन है, और मेन इसमें हमारा दुश्मन चाइना की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो मैं कह सकता हूँ ये इंडियन इको पूरी आपकी 100% थ्योरी है, यहाँ पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, पूरी लर्निंग बेस है, पूरी आपको लर्निंग करनी है, क्वेश्चन आंसर। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। डिपेंड करता है आप किस एंगल से पढ़ते हो, डेटा के साथ पढ़ते हो, करंट न्यूज़ के साथ पढ़ते हो, जनरल नॉलेज के साथ पढ़ते हो, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। पूरी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही खूबसूरत है, राइट। तो दिस इज़ द होल बैकग्राउंड ऑफ क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू सो मच।